मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों और मुसहर समुदाय के लोगों के बीच दिवाली की खुशियां साझा करते हुए कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पूरी ईमानदारी से पहुंचना सुनिश्चित होना ही राम राज्य है। केंद्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पूरी संवेदनशीलता के साथ देने में जुटी है। इससे बड़ा कोई और राम राज्य नहीं हो सकता जहाँ संवेदना और सुविधाएं एक साथ लोगों तक पहुंचती हों। अयोध्या में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान रचने के बाद सोमवार पूर्वाह्न वनटांगिया गांव तिनकोनिया नंबर 3 पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उपस्थित जनसमूह को दीपावली की शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर गरीब, किसान, महिला, नौजवान तक शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव पहुंच रहा है। 10 करोड़ गरीबों के शौचालय बनना, 4 करोड़ गरीबों के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन, 3 करोड़ को पीएम आवास, 8 करोड़ को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का आच्छादन और 200 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगना जन कल्याण की अभूतपूर्व कामयाबी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना भेदभाव सब तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और दुख के लिए कोई जगह ना हो, यही राम राज्य है। इसी के अनुरूप सरकार संवेदनशीलता के साथ समरस समाज की स्थापना का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, समग्र विकास की धारणा तथा लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था है, यही देश के स्वावलंबन का आधार बनती है। हमारे गांव मजबूत होंगे तो समाज स्वावलंबी बनेगा, गांव विकसित होंगे तो जनपद, प्रदेश और देश भी विकास करेगा, गांव में बुनियादी सुविधाएं होंगी तो वहां का हर तबका लाभान्वित होगा। सीएम योगी ने कहा कि कल अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य, मार्गदर्शन व उनकी प्रेरणा से आयोजित भव्य दीपोत्सव को आप सभी ने देखा होगा। दीपोत्सव जैसी भव्यता और दिव्यता जीवन का हिस्सा है। सत्य, न्याय व धर्म के मार्ग पर चलते हुए दीपावली का पर्व हम सब के लिए परिवर्तन का कारक बनता है और हमें नई ऊंचाई तक पहुंचाने की प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का यह पर्व वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया आदि समुदाय के लोगों के लिए अधिक उल्लास और उमंग का है। कारण, आजादी के बाद भी वनटांगिया, मुसहर जैसे समुदाय को न्याय व अधिकार नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि मैं 15 वर्षों से निरंतर इन लोगों के बीच आता रहा हूं। वनटांगिया, मुसहर लोगों के न्याय की लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप तब मिला जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। राजस्व गांव घोषित करने से लेकर जमीनों का पट्टा देने तथा ससम्मान जीवन यापन की व्यवस्था करने की पहल सरकार की तरफ से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली की सार्थकता तभी है जब गरीब के घर भी दिया जले। प्रदेश सरकार इसी मंत्र के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वनटांगिया और मुसहर समाज को कौन जानता था। 15 साल पहले जब वनटांगिया लोगों के हक मांगने पर एक तरफ फॉरेस्ट विभाग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे, बुनियादी सुविधाएं शून्य थी। अगर किसी ने मांग कर दी तो उसे कानून के सिकंजे में प्रताड़ित किया जाता था। अंततः सत्य व न्याय की जीत हुई। वनटांगिया तथा मुसहर समुदाय इसका साक्षी है। उपेक्षित रहे वनवासियों को आज आवास, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी सुविधाएं बेहतरीन तरीके से मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी 54 वनटांगिया गांव में सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के उन लोगों की मदद अवश्य करें जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पर्व त्योहार एकांकी नहीं वरन सामूहिकता का भाव लिए होते हैं। सामूहिकता का भाव यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सबका साथ सबका विकास का भाव। इसलिए हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पर्व के उल्लास से वंचित न रहे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। वनटांगिया समुदाय से उन्होंने जो वादा किया उसे पूर्ण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया। सीएम योगी भगवान श्री राम की जन्मभूमि का विकास करने के साथ ही उनके सखा निषाद राज के श्रृंगवेरपुर धाम का भी उतनी ही महत्ता से विकास कर रहे हैं। वनटांगिया लोगों के साथ ही मुख्यमंत्री ने नदियों के किनारे रहने वाले मछुआ समाज के दुख दर्द को दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
अपने मंच से मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी व प्रमाण पत्र, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड, उद्यान विभाग के लाभार्थियों को प्याज बीज किट, जल जीवन मिशन के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को टूल किट, युवक मंगल दल के सदस्यों को खेल प्रोत्साहन किट प्रदान किया। इन सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने दिवाली का उपहार भी दिया। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों के रूप में जिले को दिवाली का उपहार दिया। उन्होंने 34 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 95 ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों तथा 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 62 ग्राम पंचायतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कार्य का शिलान्यास किया। ये कार्य पंचायत राज्य विभाग की तरफ से कराए जाएंगे। इसके साथ ही 24 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट से कराए गए करीब 21 करोड़ 10 लाख रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण भी सीएम के हाथों हुआ। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की तरफ से पूर्वांचल विकास निधि के तहत कराए गए 1 करोड़ 33 लाख रुपए तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराए गए 20 करोड़ 46 लाख रुपए के विकास कार्यों को भी जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्कूल कायाकल्प, आरओ प्लांट, विवाह घर, कूड़ा प्रबंधन के इन विकास कार्यों को ग्राम विकास का मॉडल बनाया। इस अवसर पर सीएम योगी ने गोरखपुर महाराजगंज के वनचांगिया गांव में रहने वाले नागरिकों राम गणेश, चंद्रजीत, रामदयाल, बलराम, विश्वंभर, जयराम आदि को भी सम्मानित कर दीपावली पर उपहार भेंट किया। समारोह में महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल, खजनी के विधायक श्रीराम चौहान, भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के नेता रमेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, चरगावा के ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह, भरोहिया के ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह, जनार्दन जायसवाल, इंजीनियर PK मल, रणविजय सिंह मुन्ना आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर PK मल ने कहा, विकासशील एवं उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर राज्य उत्तर प्रदेश स्वागत वंदन एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत वंदन एवं डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक संजना, आप सभी की हम ईश्वर के चरणों में आराधना के साथ करने के लिए परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माँ भारती के पूजन एवं अभिनंदन, परमपिता परमेश्वर के चरणों में संप्रेषित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से पुष्पार्पण का यह कार्यक्रम हमारे प्रमुख हनुमान माँ भारती एवं गुरुवार भारती के साथ गुरु गोरक्ष मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम स्वागत के लिए आमंत्रित करेंगे पुष्पकलिका के द्वारा आप स्वागत करें, मंत्रित करेंगे कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री आप उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत के लिए एक यह प्राकृतिक भेंट पवन से हनुमान की भगवान राम के अन्य भक्त बनता सिंह के द्वारा श्री रणविजय सिंह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है, लगातार पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री के हिस्से से भी छठी बार बनचानिया में आए हैं
हम आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज जी जब से आप मुख्यमंत्री हुए, जो कहा गया है जंगल में मंगल, आपने उसको चरितार्थ किया है और बंटानिया के लोगों को नया जीवन आपने देने का कार्य किया है। चाहे जहां हमेशा उनको परेशानी होती थी, हमेशा भगा दिए जाते थे, आपने सांसद रहते हुए भी आंदोलन करके उनकी हक की लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री होते हुए तुरंत उनको मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास और उनके जमीनों का उनको पट्टा, चाहे प्राइमरी स्कूल, चाहे पीपीएससी, चाहे अंत्योदय कार्ड से आच्छादित करके विद्युतीकरण करा करके उनके मोहल्ले में इंटरलॉकिंग करा करके मित्रों पूज्य महाराज ने नया जीवन देने का कार्य किया है। हम बरतानिया की तरफ से और गोरखपुर प्रवासियों की तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को दिवाली मंगल में है कामना करके अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय हिंद। आज हम लोग माननीय पूज्य महाराज जी को सुनने हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। जिनके आशीर्वाद से 25 करोड़ की आबादी में एक मछुआ समुदाय के बेटे को, जिन्हें करीब पिछली सरकारों ने सड़क पर संघर्ष कर रहा था, संघर्ष के दौरान आपकी आवाज उठा रहा था, फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया था, फिर भी महाराज जी ने हमारे उस जीवन को बचाया, जीवन दान किया। मेरा मछुआ समुदाय कभी उस समय को नहीं भूलेगा। आपने इतने ही नहीं किया, बन पाए कभी मैं आता था पेशे से चिकित्सक था पादरी बाजार में, तो किस तरीके से जंगल में आदिवासी जीवन जी रहा था। ये समझा कि अंग्रेजों ने तो क्रूरता की, पिछली सरकारों ने उसी अंग्रेजों की नीति पर चल के उन्हें विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा था। मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि महाराज जी जो कहते उसे करके दिखाते हैं। आपके बीच में जो आपने उन्होंने कहा था उसे करके दिखाया है। चाहे वो जो भी राजा रहा हो, राजे सुग्राम कराए, विकास कराए, शिक्षा कराए, जब सरकार में नहीं थे उस समय में उन्होंने शुरू की थी शिक्षा में। शिक्षा शेरनी की दूध है, जो पीता है व्यवस्था जरूर है। बन पानियों के क्षेत्र में शिक्षा लेना, मैं 2015 में बन पानियों के बीच में हमें एक महीना छुपने का जो सपा की सरकार है मुकदमे हुए थे। मैं महाराजगंज के दरवे में रहता था, जो 1, 2, 3, 27, 28 नंबर से बसे गए, कैसे जीवन जीते थे। लेकिन आज उनके लिए तो बिजली, कोई सड़क, कोई कुछ नहीं था। वो शाम को 5 बजे ही खाना बनाकर सो जाते थे, जिस तरीके से लगता था उनके अंदर मानव का कोई गुण नहीं है। लेकिन आज एक दिन महाराज जी की देन है कि आज बन पाएंगे ग्राम सभाओं का, ग्राम सभा राजस्व ग्राम का दर्जा हुआ, एक डालने का दर्जा हुआ, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का आपको दर्जा मिला। आप सभी को तरह दिया नेता ने जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो कल तो महाराज जी का जो इस गोरखनाथ मंदिर से जो आंदोलन किया था राम जन्मभूमि का, उसे उन्होंने साकार भी किया, राम मंदिर भी बना। आज राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसको दुनिया के पटल पर जिस तरीके से कल महाराज जी ने यहां रखा कि निषाद राज कभी यहां एक गुरुकुल में पढ़ते थे भगवान राम और निषाद राज, और जब अयोध्या से निकले तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाया था। इन गले लगाए हुए इस प्रेता के इतिहास को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई उस जंगल को मंगल बनाने में कई 1000 करोड़ रुपया उस श्रृंगेर पर धाम को देकर उसको चमकाने का काम किया है। यहाँ भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति भी लग रही है, कई एकड़ में उसको दुनिया के लोग देखने आते थे। आज के दिन में जिस तरीके से गांव के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए जगह है, ऐसा में सरकार में बैठे रहते बजट में भी प्रावधान किया, दिल्ली से भी 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में दिया, इनके लोगों के लिए फ्री में बीमा दिया, इनके बच्चों के लिए, इनके रोजगार के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई। और नहीं मैंने कहा तो किसान क्रेडिट कार्ड के तरह मछुआरों के लिए भी क्रेडिट कार्ड, उनके पास खेत बाड़ी नहीं, अंग्रेजों ने छीन लिया था,
फिर भी अगर आधार कार्ड के नाम पर फिशरी क्षेत्र में काम करता है तो 1,60,000 बिना गारंटी के लोन मिलेगा। ये भी अपने नंबर 3 के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास मुख्यमंत्री आवास योजना आजाद नगर क्षेत्र से अपने आवास के चाबी को फिर शायद हम आमंत्रित करेंगे श्री राजकुमार जी। इसी क्रम में वाइफ ऑफ रामकरण इसी पश्चात श्री जी वाइफ ऑफ श्री रामविलास जंगल त्रिपुरिया ने उद्यान विभाग योजना को प्राप्त करने के लिए प्रयास के लिए देश को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदम सेवा विकास संस्थान लखनऊ से श्री अनिल जी जल जीवन मिशन के कृपक श्री जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके पश्चात युवक मंगल दल योजना के लाभार्थी मंत्र रामपुनी खेल प्रोत्साहन के लिए निहाल निसार जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से उपहार प्राप्त करते हुए ग्राम मुखिया जगत त्रिपुरिया के श्री राम गणेश जिनका सानिध्य बटनिया क्षेत्र पर सदैव बना रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्तालाप करते हुए श्री बलराम जी को अपने उपहार को प्राप्त करते हुए उनको देखते हैं श्री जयराम जी। यह कुल 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न करें साथ ही साथ कुल 7,991.45 लाख की परियोजना शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम बटन दबाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ ठोस एवं तरल आर्थिक प्रबंधन पंचायत भवन में काम उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्र पाल सिंह जी गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री बिपिन सिंह जी विधायक बांसगांव डॉक्टर मरेश पासवान जी विधायक सैजनवा श्री प्रवीण शुक्ला जी विधायक खजली श्री सेवाराम चौहान जी प्रदेश के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक श्री रमेश सिंह जी जिलाध्यक्ष रजिस्ट्रेट सिंह जी अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी इंजीनियर पी के मल जी संत गुलाब यादव जी राम गणेश जी अभिषेक सिंह जी जनार्दन तिवारी जी रण विजय सिंह जी ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी और बनटांगिया गांव के साथ साथ मुसहर गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। अयोध्या में
आपने भक्त दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता, इस प्रकार की दिव्यता हमें नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आज का यह कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था और बंटाया और मुसाल जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई हम लोगों ने आज से 12-15-20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी और उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो, या फिर सम्मानजनक जीवन जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बंटागया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई है, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दीपावली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब के घर में भी दिया जल सके। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ दीपावली मनाता है, लेकिन इन पलटा गया कि मुसहर जाति के लोगों के साथ कौन मनाता है। हमने 15 वर्ष पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उस समय यहां पर कोई आता नहीं था। एक तरफ फॉरेस्ट के लोग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे उन्हें, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न राशन, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेंशन की व्यवस्था, न मकान, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मांग कर दी तो उसको कान में शिकंजे में कस करके खूब प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। बंटागया और मुसहर जाति के लोगों ने देखा है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, राशन की सुविधा प्राप्त हो गई है, वहां तक बिजली पहुंच गई है, जमीन के पट्टे या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल स्थापित हो गया है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है और इसीलिए शासन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाना, शासन संवेदनशील हो जाए और उसमें भी सुविधाओं के साथ संवेदनशील हो जाए, इससे बड़ा राम राज्य दूसरा नहीं हो सकता है और इसे राम राज्य इसी को कहते हैं। जहां बिना भेदभाव के शासन की
योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाओं को प्राप्त हो सके और यह आप सबको उपलब्ध हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये सफलता बड़कांडिया के साथ साथ मुसार गाँव के लिए और गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक की 288 परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी सफल हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था है। गांव स्वावलंबी होगा तो समाज स्वावलंबी होगा, गांव विकास के पथ पर अग्रसर होगा तो हमारा जनपद भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा, प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। गांव के नागरिक को शासन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम प्रकार की योजनाएं आज यहाँ पर लोकार्पित और शिलान्यास की गई है। इनमें सड़कों के निर्माण का है, साथ साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का भी मॉडल छिपा हुआ है। इसमें स्ट्रीट लाइट भी है, हाईमास लाइट भी है, आरो प्लांट भी है, प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प का भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का है, अमृत सरोवर का है, विवाह घर का है, डस्टबिन, कूड़ा गाड़ी, सीसीटीवी स्थापना, खेल मैदान, ओपन जिम, स्मार्ट क्लास, ये सभी इसके साथ जुड़ रही हैं। तो कूड़ा प्रबंधन का उत्तम कार्य ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होना चाहिए यह भी इसके साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों आप सबने देखा होगा विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला है। याद करिए 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर तक बिजली पहुंच जाना, 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना, 8 करोड़ से भी गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 80 करोड़ गरीबों को कोरोना काल में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना, 7 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना और 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज देश के अंदर लग जाना, बिना भेदभाव के इतने बड़े देश में भाइयों बहनों यही वास्तव में राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई जगह नहीं, शासन की संवेदनशीलता है, शासन के द्वारा समरस समाज की स्थापना का संकल्प है। एक समग्र विकास की अवधारणा भी छुपी हुई है और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का द्वार छुपा हुआ है, ये सब उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी दीपावली के अवसर पर अपने अपने घर अगल बगल मोहल्ले में कस्बे में जरूर देखें, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए, दीपावली हर घर में एक दीपक जरूर जले और एक मीठा हर व्यक्ति को खाने का अवसर जरूर प्राप्त हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। यही पर्व का भाव है, हमारे पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते हैं, एकांतिक नहीं है, इसमें एकांकीपन नहीं है, हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव है
पीछे का भाव है सामूहिकता का, सभी लोगों को साथ लेकर के सबका साथ सबके विकास का भाव है। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबको साथ लेकर के हम लोग चले, समग्र समाज के विकास की परिकल्पना को साकार करेंगे, विकास की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराएंगे। तो पर्व और त्योहार भी सामूहिक रूप से मना करके सबको इस खुशहाली का हिस्सादार बनाएंगे और खुशहाली के हिस्सेदार बनाने के क्रम में आज हम सब इस भंटालिया गांव में एक बार फिर से आए हैं। मुझे प्रसन्नता है भंटालिया गांव के लोगों में आज से पांच साढ़े पांच वर्ष पहले, छह वर्ष पहले तो हम लोग आते थे, एक भी जगह एक भी पक्का मकान नहीं दिखाई देता था, आज हर मकान लगभग पक्का बन चुका है या बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। आज से छह साल पहले यहाँ एक भी सड़क नहीं थी, आज सड़क हर जगह सड़क ही सड़क दिखाई दे रही है। आज से छह साल पहले यहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, आज हर घर पे रात्रि को लाइट जगमगाती हुई दिखाई देती है। आज से छह वर्ष पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार की शासन की सुविधा का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता था, आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 54 बटालिया गांवों में शासन की हर सुविधा का लाभ वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि उन्होंने आज कहा कि पर्व और त्योहार की सामूहिकता का दर्शन है, सभी को साथ लेकर के चले, सभी के साथ मिलकर के चले। अगर कहीं पे कोई अभाव है, कोई गरीबी है, वो बाजार से कोई चीज नहीं खरीद पा रहा है, तो हम उसका पड़ोसी होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसको भी एक दिया बाती देकर के उसके घर में एक दीपक जलाएं, उसके बच्चों को भी और स्वयं को भी उसके साथ जोड़ करके उसको मिष्ठान खिलाने में भागीदार बने। प्रदेश के अंदर सभी 25 करोड़ जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा पर्व और त्योहार की उत्सव और इसके उमंग के पीछे की यही भावना है और इस भावना के साथ हम सब जुड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पर्व और त्योहार के पीछे एक एक दीपक विकास का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सत्संकल्प का होना चाहिए, अपने समाज के कल्याण का होना चाहिए, अपने गांव अपने कस्बे की स्वच्छता का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, समृद्धि का होना चाहिए। इस समृद्धि और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हम सब बन सके इस विश्वास के साथ दीपावली में सभी सावधानी बरतते हुए हम सब इस पर्व और त्योहार को मनाएंगे। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। विकास की 288 परियोजनाओं के लिए भंटालिया गांव के साथ साथ पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। प्रदान करें कि आज के इस क्षेत्र में सभी लोगों के साथ आपका आप बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पूज्य महाराज जी इस घने जंगल के बीच में अंधकार में प्रकाश का दीपक जलाने पिछले 15 वर्षों से आते हैं यहाँ पे दीपावली मनाने। जिस समय हर लोग अपने घर परिवार के बीच में दीपावली मनाता है उस समय पूज्य महाराज जी इस ऐसी बस्ती जो विकास से कोसों दूर थी उनके बीच में दीपावली मनाते हुए जब से मुख्यमंत्री हुए हैं यहाँ पे विकास की गंगा बह गई है। तो ये इस क्षेत्र के वासियों के लिए, बंटांगिया ग्राम के वासियों के लिए बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। ये बहुत ही खुश हैं यहाँ के लोग पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में बाकी। ये पिछले 14 साल हो गए उनको यहाँ आते हुए, दीपावली के दिन यहाँ बिताते हो।